साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे देश में 2,72,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आपके साथ आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स भी और उनकी संख्या भी करीब करीब 2,00,000 के बराबर है। और अगर हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स, आपके साथ दूसरे कर्मचारी, इन सभी को जोड़ दें तो मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि ये संख्या 8,00,000 से भी ज्यादा है। आपका परिवार, इस फील्ड का परिवार 8,00,000 से ज्यादा है। यानी कि सिर्फ आपके प्रोफेशन में, अब मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखता हूं, क्योंकि आप आंकड़ों से बातें जल्दी समझ लेते हैं। और समझा भी देते हैं। अनुमान है कि हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा इंजीनियर और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, 8,00,000 से ज्यादा डॉक्टर है, यानी जिसे क्रीम प्रोफेशन माना जाता है, बहुत सम्मान से देखा जाता है, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में करोड़ों में है। अगर देश के तमाम शहरों में बने बड़े बड़े आलीशान घरों को भी जोड़ा जाए तो उनकी संख्या भी करोड़ों में है। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा ये भी है कि लास्ट ईयर भारत से विदेश में घूमने फिरने वाले जाने की संख्या 2,18,00,000 लोग विदेश में शेयर करने गए थे। ये आंकड़े अब आपको ताजुब होगा कि इसके बाद भी क्या कारण है कि हमारे देश में सिर्फ 32,32,00,000 लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम उनके टैक्स रिटर्न में 10,00,000 से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? करेगा क्या? वही को सही करने वाले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में सिर्फ 32,00,000 लोग हैं जो 10,00,000 से ज्यादा कमाई करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, देश की कड़वी सच्चाई यही है कि ये संख्या, देश में सिर्फ 32,00,000 लोग अपनी आमदनी 10,00,000 रुपए से ज्यादा बताते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में, ज्यादातर देश में सैलरी क्लास जो है, जिनकी फिक्स आय है, सरकारी तनख्वाह निकलता है, प्राइवेट कंपनी से तनख्वाह निकलता है, इसके सिवाय देश में क्या स्थिति है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं और आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि देश में करोड़ों गाड़ियां हर वर्ष खरीदी जाती हो और फिर भी देश के खजाने में अपनी जिम्मेवारियां न भरी जाए तो इससे बड़ा चिंता का विषय होता है। अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई
कोई भी व्यक्ति या क्लाइंट तभी टैक्स देता है जब उसके आसपास का पूरा माहौल सकारात्मक हो, उसे ईमानदारी से टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। अगर वो ये देखेगा कि उसको सलाह देने वाला सच्चाई छिपाने के लिए कह रहा है तो फिर गलत रास्ते पर चलने से वो कभी डरता नहीं है। और इसलिए गलत सलाह देने वाले ऐसे लोगों को पहचानना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप लोग भी कठोर कदम उठाने होंगे। सीए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआर का काम आप ही करते हैं, करिकुलम आप ही बनाते हैं, एग्जाम आप ही कंडक्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी आप ही बनाते हैं और गुनहगार को सजा भी आप ही की इंस्टीट्यूशन देती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर ने 125 करोड़ देशवासियों की संसद ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, फिर ऐसा क्या है कि पिछले 11 वर्ष में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है? क्या सिर्फ 25 लोगों ने ही गड़बड़ की होगी? और मैंने सुना है कि आपके यहां 1400 से ज्यादा मामले कई वर्षों से लटके पड़े हुए हैं। एक एक केस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इतने हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए मेरे साथियों बताइए, ये चिंता का विषय है कि नहीं है?